वालेकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है? उम्मीद कर दी आप सब एकदम परफेक्टली फिट होगे और असी भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्रा। व्लॉग स्टार्ट करने तो पहले मेरे चैनल ते आने वाले सब ने फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड होंगी है कि मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करियो, मेरी वीडियो नू लाइक करियो, शेयर करियो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, इतने टाइम हो रहा वा 5:30 5:30 ते आप कह रहे होने इन्नी सुबह सुबह रेडी होके कितने जा रहे हैं, आइए मैं आपनू हले नहीं दसना। इंशाल्लाह ताला आप जिस तरह अगे व्लॉग देखते जाओगे तुहाडे वास्ते इन्ना वड्डा सरप्राइज है ना, तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि असीं कित्थे जा रहे हैं। मैं एकदम अपने सारे काम कंप्लीट करके फ्रैश होके निमरा नू भी ऑलरेडी उठा के फ्रैश करके नीचे भेज दिता सीगा और हैदर नू मैं रात सोने तो पहले ही ये कपड़े चेंज करके इनू सिलाया सीगा ताकि सुबह नू फिर मैं इनू उठा के उसे तरह ही नाल लैके असी चले जावांगे, ताकि अगर सुबह सुबह उठ के तो मैं कपड़े चेंज किए फिर ये बहुत ज़्यादा तंग करना सी, इन्हें मैनू रोना सीगा, तो इस तो अच्छा सी कि रात में कपड़े चेंज करके सुला दिता है। हुण जल्दी दे नाल ना मैं हैदर नू उठा के नीचे लैके जाती हाँ। हैदर वो देखो सो रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि लाइट भी चल रही सी, लेकिन हैदर हले वेकअप नहीं होया। हैदर के उठने तो पहले ना जल्दी दे नाल मैं आप लोगों के नाल अपनी लुक शेयर कर दी हाँ कि मैं की ड्रेस किया है, किस तरह ड्रेसअप किया है। ये जी मेरी लुक फ्रेंड्स मैं तेरे नाल शेयर करनी हाँ। मैं ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का दुपट्टा लिया हुआ सीगा और नाल ना लाइनिंग वाला ट्रोज़र पाया सीगा। ट्रोज़र इसलिए लाइनिंग वाला पहनिया सीगा क्योंकि है ना खुला 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 ना फिर टाइट कपड़े पा के ना गड्डी विच लॉन्ग ट्रैवल करो ना तो बहुत ज़्यादा ना तंग होंदा है बंदा, तो बच्चों के नाल फिर ना लूज़ लूज़ ट्रोज़र ते ना खुले खुले कपड़े होने ना तो बंदा ना आवाज़ार नहीं होंदा। फिर अगर आपनू आवाज़ार फील होवो, आपनू अपने आप लिए कंफर्टेबल फील ना हो तो फिर आपनू गुस्सा चढ़दा है, गुस्सा फिर आपने बच्चों पर लाना होंदा, ये अच्छी गल नहीं होंदी हैगी। तो इसलिए फ्रेंड्स इतने मैं बिल्कुल सिंपली रेडी सी और मैं एक एक बच्चों का ड्रेस पर्स के रखा सीगा, आईवी ब्रूफन टैनानॉल, और आपको पता अक्सर ना गड्डी दे विच मैनू भी और निमरा नू वॉमटिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि बिल्कुल अच्छी गल नहीं है। ओदियां भी गोलियां मैं याद दे नाल नाल रख लिया सीगियां। हुण सारा समान मैं इत्थे बाहर रखिया वा, हैदर हुण उठ गया सी, हुण जल्दी दे नाल मैं हैदर नू पिक कर लवां ते फिर निकलदे हां। जैसे मैंने शहजादे को अपनी गोद में लिया, शहजादे का मूड ठीक हो गया तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है रो नहीं रहा, और जल्दी से मैंने इसको साग से भी पहना दी थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ना सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर होगा। बच्चों की जो खेसी है ये मैंने उठा ली है, रास्ते में सर्दी हो तो ले सकते हैं। रूम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि टाइम नहीं है, आके ठीक करेंगे। फैन वगैरह बंद कर देती हूँ। आप लोग कहते हो कि इतनी सर्दी है और फिर भी पंखा चलाती है, इसलिए क्योंकि फिर बाहर से आवाज़ आए ना तो फिर बच्चे उठ जाते हैं, इसलिए ये भी खोल देते ना ताकि चलें। अभी देखिए बाहर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अच्छा खासा डार्क है अभी, चलें। भागो 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 भागो। बच्चों को जैकेट वगैरह पहना के मैंने वहाँ बैठा दिया, अभी मैं वापस आ रही हूँ। ऊपर मेरी है ना जो चीज़ें रहती थी मैंने कहा वो मैं उठा के ले आऊँ। अभी फॉग है ना, अभी नाइट टाइम है। चल अभी नहीं, मैं कह साग सा रख लो या बाद जो दिन चढ़ेगा ना फिर ये वालियाँ पा सकते हो। हाई ठंडी ठंडी आवाज़ आई, इमरान सर पे टोपी पहन है। जल्दी जल्दी भागो भागो भागो, गाड़ी में चले। जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं उस काम के लिए अगर इसी टाइम निकलेंगे तो टाइम से अपना काम करके हम लोग फिर टाइम से घर वापस आ सकते हैं। अभी सब सो रहे हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है।
अभी जी फ्रेंड्स हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी डाउनटाउन, ये सिएटल का डाउनटाउन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके थे, यहाँ पार्किंग लगा दी है और अभी उमेश ने ना पे पार्किंग है तो उसकी टिकट लेके ना यहाँ पे लगा दी है। इतनी ज़्यादा सर्दी है, ओ माय गॉड, धूप तो निकली है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है ना। ट्रैफिक भी नहीं है इतनी, इसलिए हम ऑन टाइम पे पहुँच गए। वैसे आज है रेगुलर डे जी जान। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चलते हैं अंदर, पहले थोड़ी चेकिंग वगैरह होती है फिर उसके बाद हम अपने जो उनसे सिक्योरिटी पे से सारा कुछ क्लियर हो गया था। अभी हम है ना जिस बिल्डिंग में जाना है ना वहाँ पर जाते हैं। थैंक यू। चला गया तक कहाँ जाना है? हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। अम्मी कहती है यहाँ पे मैंने पहले खाना खाया है, इनका खाना काफी अच्छा है, तो अभी हम यहाँ चलते हैं और ट्राई करते हैं। और पार्किंग यहाँ पे हमने की है पार्किंग, अभी वासफ ना टिकट पे करके तो अंदर पेपर रख देगा ताकि पता हो फिर हमने पे किया। बच्चे आते कह रहे हैं सोडा लेना, सोडा नहीं वेट करो। हमारा टेबल रेडी हो गया, अभी वो कह रहे आप लोग आ सकते हैं, अभी चलते हैं इधर। अच्छा इधर इधर चलो चलो चलो, अच्छा पहले उधर चले ना, बैठे चेयर पे बैठे। ये जी हमारा टेबल, चलो बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, गुड जॉब, ओके चलो ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। मेन्यू देखे इनका, मेन्यू कहाँ गया? चलो इनका मेन्यू देखें अभी। अच्छा लगा आपको? हमने ऑर्डर अपना रिप्लेस कर दिया, सबसे पहले मैंगो लस्सी आई है तो अभी पहले मैंगो लस्सी, बच्चे कह रहे हैं हमें ट्राई करवाओ मामा। जो कुछ हमने ऑर्डर किया था सब कुछ आ गया, अभी बैठ के जल्दी से पेट भर के ना खाना खाते हैं, फ्रेश फ्रेश है मम्मी सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया था, अभी पेट फुल हो गया था, अभी हम लोग चलते घूमने के लिए। तो और भी बहुत जगह थी सिएटल में जहाँ पे हम जा सकते थे, लेकिन सिर्फ हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें पासपोर्ट वापस जाना था पिक करने के लिए, 2:00 का उन्होंने टाइम दिया था। तो बस यही पास में एक पॉइंट व्यू नज़र आया वहाँ पे हम लोग बैठ के, और हमने कहा यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर इंजॉय कर लेते हैं। और बच्चों ने ना मतलब निमरा ने तो खाया था, हैदर ने कुछ भी नहीं खाया था, तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ हैदर और निमरा खेल में लगे, खेलते खेलते कुछ ना कुछ हैदर खा ले, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हैदर ने खा भी लिया था। और यहाँ पर जी बच्चे पानी में ना रात फेंक रहे थे और देख रहे थे कि किसका कितनी दूर तक जाता है, और मैं उमेश को हंस रही थी कि उमेश मैं भी बचपन में ये खेल खेलती थी अपने बहन भाइयों के साथ कि हम लोग पानी में ना पत्थर उठा के फेंकने, देखना किसका कितनी दूर तक जाता है। बदल जाता है टाइम, बदल जाता है, लेकिन वही जो चीज़ें होती हैं ना, जो यादें होती हैं वो हमेशा साथ रहती हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह पाक बस ना सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हंसता बस्ता रखे, सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन, सबके लिए दुआएँ, ढेरों दुआएँ। और अभी जल्दी से चलते हैं पासपोर्ट पिक करके फिर घर निकलते हैं।
पासपोर्ट पिक करने के बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल चुके थे और यहाँ पे जी बच्चे भी एकदम से सो चुके थे, निमरा भी और हैदर भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने कहा ट्राई करती हूँ कि आँख लग जाए थोड़ी देर के लिए, तो इसी बहाने जल्दी से ना सफ़र भी गुजर जाएगा। तो इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी ना, बॉडी एकदम से ना ऐसे भाग भाग के सारा दिन सुबह के उठे हुए हैं। तो बस साथ में मैंने फिर टैनोल और आइबुप्रोफेन भी लिया था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, एकदम से ना ट्रैफिक में ना हम पिछले 1 आवर से स्टक हैं। अभी यहाँ पे कुछ जाके ट्रैफिक ठीक हुई थी और यहाँ पे ना पूरा चांद ऐसे आसमान पे चमक रहा था ना, अल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच चुके हैं, थक हार के बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। बस अभी जल्दी से चलते हैं और फ्रेश होते हैं। चलो चलो।